हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, जो आज की जो वैकेंसी हैं वो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें आपको मतलब ज़्यादा वर्किंग प्रोग्रेस नहीं रहता है इसमें, मतलब आपका वर्किंग लोड इतना नहीं रहता है इसमें। आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपका डिपार्टमेंट होने वाला है और इसमें आपकी एजुकेशन, इसमें वेरियस पोस्ट हैं, मतलब आपकी 10th पास से लेकर दोस्तों बैचलर डिग्री से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके लिए बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसियाँ हैं वो निकाली गई हैं। मतलब अगर आपने 10th पास कर ली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 12th, या आपके पास कोई बैचलर डिग्री, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो उन सब के लिए ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अच्छा डिपार्टमेंट है। चलिए मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ और उसके बारे में सारी डिटेल भी बताऊँगा, कौन कौन सी आपकी जॉब है जो वेरियस टाइप की निकाली गई हैं, और उनकी एजुकेशन की लिमिट भी बताऊँगा कितनी आपकी उसमें एजुकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये आपकी होने वाली है दोस्तों जॉब DRDO में। हाँ दोस्तों, DRDO में दोस्तों ये अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है DRDO। अगर आपने नहीं सुना है या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसकी जानकारी लेकर इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म में कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है और कुछ फॉर्म में तो बिल्कुल ज़ीरो है दोस्तों, जैसे कि OBC या ST वालों के लिए तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है दोस्तों DRDO, और इसमें आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ऐसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट द्वारा जो पोस्ट हैं, वैकेंसियां हैं, निकाली जाती हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वैकेंसी को, फॉर्म को आप आसानी से ढूंढ पाएंगे और फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी आपकी जॉब हैं जिनकी आपकी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों 10th पास जॉब, मतलब आपके जो 10th अगर आपने पास कर लिया तो उसमें उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं DRDO में दोस्तों। उनके लिए निकाली गई हैं दोस्तों व्हीकल ऑपरेटर। हाँ दोस्तों, व्हीकल ऑपरेटर निकाला गया है 10th, जिसमें आपकी 10th पास मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है दोस्तों। और आपके लिए दूसरी जो पोस्ट है 10th पास के लिए, वो है आपकी फायर इंजन ड्राइवर। हाँ दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर जो DRDO में निकाली गई वैकेंसियाँ हैं, जो 10th के पास आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक है आपका फायरमैन। हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी, तीन वैकेंसियाँ जो है DRDO में निकाली गई हैं वो 10th पास के लिए निकाली गई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और 12th पास के लिए भी इसमें वैकेंसी हैं। तो आप फुल डिटेल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक इसका मिल जाएगा, जहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं और मतलब आपकी सारी डिटेल्स भी वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है हेल्प एंड रोजगार। तो हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर हेल्प एंड रोजगार सर्च करते हैं तो आपको नंबर 1 पर साइड मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप फुल डिटेल्स में चेक करके आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी जल्दी दोस्तों गूगल पर जाएं और सर्च करें हेल्प एंड रोजगार। और आपने अभी तक जो हमारा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जल्दी जल्दी कर दें, जिससे आपको डेली अपडेट मिल जाए और आप ऐसी सारी काफ़ी मतलब काफ़ी सारी जॉब हैं उनके लिए आप अप्लाई कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में जाकर शेयर करें, जिससे वो भी अप्लाई कर पाएँ। धन्यवाद।